नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वसीयत नामा का दाखिल खारिज होता है, यानी कि वसीयत नामा का जो है म्यूटेशन होता है, तो इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, वसीयत नामा शब्द जो है वो पहले उसको समझते हैं, ठीक है। तो वसीयत जो है, अब मान लीजिए कि किन्हीं व्यक्ति के नाम से ज़मीन है, यानी कि कोई एक ज़मीन मालिक है, ठीक है, और जो है वो किन्हीं को ज़मीन जो है वसीयत में लिख दिए, यानी कि वसीयत नामा को समझे तो कहा जा सकता है कि जो उनके वंशज हैं या जो उनके वारिस हैं, ठीक है, तो उन्हें वो ज़मीन अगर लिख देते हैं अपने चाहे कोई रिश्तेदार को हो, ठीक है, यानी उनके जो भी रिश्तेदार हैं किन्हीं को भी वो अपना वंशज मानते हैं और जो है उनको ज़मीन लिख देते हैं, ठीक है, वसीयत नामा बनाकर, तो वो वसीयत नामा कहलाता है, ठीक है। और वसीयत नामा के जरिए जो है क्या दाखिल खारिज होना संभव है? तो दोस्तों, वसीयत नामा के जरिए जो है, ये वसीयत नामा सबसे पहले इस बात को समझे कि वर्तमान में नहीं चल रहा है, ठीक है। वसीयत नामा जो है बहुत पहले चला करता था, ठीक है। तो वसीयत नामा के जरिए जो है दाखिल खारिज संभव है, ठीक है। अगर वसीयत नामा के अंतर्गत आपको ज़मीन लिखा गया है, ठीक है, तो ज़रूर उसमें जो है म्यूटेशन कायम होगा, ठीक है, यानी कि दाखिल खारिज होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।